आज कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा है और श्री गौरांग महाप्रभु के वृंदावन आगमन की शुभ तिथि भी है। इसके उपलक्ष्य में पूर्व पूर्व वर्षों की भांति आज भी कलकत्ता पाठबाड़ी के सिद्ध श्री रामदास बाबा जी महाराज और उनके अनेकों भक्त वृंदावन पधारे हैं। वे गोपीनाथ बाजार स्थित श्री गौरांग महाप्रभु के मंदिर के विशाल विग्रह और गोस्वामी गण के साथ कीर्तन करते हुए वृंदावन परिक्रमा को निकले हैं। वृंदावन के असंख्य नर नारी जो साल भर में इस अवसर की बाट देखते रहे हैं, उनका मधुमेह कीर्तन सुनने के लिए उनके साथ हैं। रामदास बाबा जी महाराज अपूर्व नृत्य भंगी में, कृष्ण प्रेमोन्माद में कृष्ण को वन वन ढूंढती विरहणी राधा के भाव में भावित श्रीमन महाप्रभु के आनुगत्यों में खोल करताल की ध्वनि के बीच कीर्तन करते जा रहे हैं। ब्रज बदे विरहणी अमादेर प्राण गोरा राय, वियोगिनी उन्मादिनी अमादेर प्राण गोरा राय। वे जब महाप्रभु की ओर निहारते, वक्ष पर हाथ रख ठुमक ठुमक कर नृत्य करते गाने लगते हैं, अमादेर 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 प्राण गोरा राय। उनके मुख और वक्ष गर्व से फूल उठते हैं, नेत्रों से आंसुओं की धार बहने लगती है और शरीर प्रचंड वायु के झोंके से झकझोर गए केले के वृक्ष के समान कंपित होने लगता है। बीच बीच में वे ऐसे हुंकार कर उठते हैं जिससे दिशाएं गूंज जाती है और भक्तों के मन प्राण एक अनिर्वचनीय भाव समुद्र में गोते खाने लगते हैं। बाबा जी महाराज अपने हृदय में तत्काल स्फूर्त पदों को गाते जा रहे हैं, भक्तगण उन्हें दोहराते जा रहे हैं। अनेकों दोनों बाहु ऊपर उठाकर नृत्य करते जा रहे हैं। एक अपार जनसमूह मानो भाव भक्ति की बाढ़ में बहा चला जा रहा है। बाबा जी महाराज से कुछ दूर लोग देवकी नंदन प्रभुपाद को मूर्छित अवस्था में अपनी कंधों पर लिए चले जा रहे हैं। मूर्छित होते हुए भी उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु बह रहे हैं, मुख से लार बह रही है और शरीर खोल की प्रत्येक ताल के साथ जैसे उछल उछल कर नृत्य करता सा लग रहा है। जो लोग उन्हें अपने कंधों पर लिए हैं उन्हें उनको पकड़े रहना मुश्किल लग रहा है। उन्हें लग रहा है जैसे उनके शरीर की प्रत्येक धमनी हरी बोल की ध्वनि के साथ नृत्य करती चल रही है। प्रभुपाद के लिए यह कोई नई बात नहीं, उन्हें इस प्रकार की प्रेम मूर्छा की दशा में अनेकों बार पहले भी देखा गया है। श्रृंगार वट के निताई गौर की शोभा यात्रा में भी उनकी अक्सर इस प्रकार की दशा होती देखी गई है। एक बार प्रभुपाद अपने एक सेवक के घर कलकत्ते गए, रात्रि में कीर्तन हुआ तो आप उठकर उदंड नृत्य करने लगे। नृत्य करते करते हां निताई कह पछाड़ खाकर गिर पड़े, बेसुध अवस्था में रात भर पड़े रहे। एक युवक को शंका हुई कि उनकी मूर्छा बनावटी है। उसने गुप्त रूप से शरीर में कई जगह सुई चुभोकर उनकी परीक्षा की। सुइयों का कोई असर न होते देख वह लज्जित होकर घर चला गया। रात्रि में उसके माता पिता को स्वप्न हुआ। नित्यानंद प्रभु ने रोष में भरकर उनसे कहा, तुम्हारे लड़के ने मेरी प्रिय संतान को सुइयों से गोदा है। प्रातः होते ही उस महान अपराध का प्रायश्चित करो, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। सवेरा होते ही माता पिता लड़के को साथ ले प्रभुपाद के पास गए। लड़के ने उनके चरणों में गिरकर रोते रोते उनसे कहा, मैं मूर्ख हूं, मूर्खतावश मैंने आपको बहुत कष्ट दिया है, कृपा कर मुझे क्षमा करें। प्रभुपाद ने कहा, कैसी क्षमा, तुमने मेरा कौन सा अनिष्ट किया है। लड़के की और कुछ कहने का साहस ना हुआ। उसके पिता ने जब उनसे सब बात खोलकर कही तो वे बोले, मुझे किसी ने सुई नहीं चुभोई, तुम्हारे ऊपर निताई चांद ने इस छल से कृपा की है, तुम धन्य हो। भाव भक्ति के मूर्त स्वरूप श्री देवकी नंदन गोस्वामी
प्रभुपाद का जन्म नित्यानंद प्रभु की 11वीं पीढ़ी में श्री यशोदानंदन गोस्वामी प्रभु के पुत्र के रूप में हुआ था। पढ़े लिखे वे साधारण ही थे, पर ढाई अक्षर प्रेम के जैसे वे जन्म से ही पढ़कर आए थे। नाम जप और ठाकुर सेवा में उनकी शुरू से ही विशेष रुचि थी। पुजारी के रहते हुए भी श्रृंगार वट के निताई गौर की प्रातःकालीन सेवा पूजा श्रृंगार आदि वे स्वयं करते थे। उनका बाकी समय घर के बाहर बैठक खाने में हरि नाम जप में व्यतीत होता था। घर के किसी काम से जैसे उनका कोई संबंध ही नहीं था। घर का और जमींदार का काम उनके भाई श्री रोहिणी नंदन और जानकी नंदन देखा करते थे। निताई गौर की वे आत्मवत सेवा किया करते। गर्मी के दिनों में उनके अंग में पसीना देख दुखी हुआ करते और घंटों उन्हें पंखा किया करते, जबकि और किसी को उनके अंग में कहीं पसीना ना दिखता। एक बार जब वे ठाकुर सेवा कर रहे थे, श्री रामदास बाबा जी भक्तों सहित कीर्तन करते हुए मंदिर के प्रांगण में पधारे। वे ना जाने कौन सा गीत गा रहे थे। उसे सुनते ही प्रभुपाद मंदिर के ऊंचे जगमोहन से प्रांगण में कूद पड़े और प्रेमावेश में रामदास बाबा जी महाराज से जा लिपटे। बहुत देर तक उन्हें अपने बाहुपास में जकड़े हुए अश्रु विसर्जन करते रहे। बेचारे रामदास बाबा जी महाराज पुतलिकावत उनके प्रेम पास में जकड़े खड़े खड़े रहे। दूसरे लोगों ने बहुत चेष्टा की, फिर भी उन्हें छुड़ा ना सके। बाबा के इंगित पर जब उन्होंने कोई और कीर्तन प्रारंभ किया, तब वे उन्हें छोड़ दोनों भुजाएं उठाकर आनंद से नृत्य करने लगे। एकादशी के दिन देवकी नंदन प्रभु पंडित रामकृष्ण दास बाबा जी महाराज की कुटिया पर अवश्य जाया करते। दोनों में प्रेमालाप और ईस्ट गोष्ठी हुआ करती। एक दिन किसी प्रसंग में देवकी नंदन प्रभु ने कहा, बाबा जीवन समाप्त होने को आया, पर अभी तक प्रभु ने कृपा नहीं की, न जाने मेरा क्या होगा। बाबा ने कहा, गोसाई आप ऐसे कहेंगे तो मेरा क्या होगा। आपने तो पहले ही प्रभु को अपने प्रेम के वश कर रखा है, वे आपके आगे पीछे डोला करते हैं। उसी दिन जब प्रभुपाद घर लौट रहे थे, उन्होंने देखा कि सनातन गोस्वामी की समाधि के पीछे सूखे नाले में श्याम वर्ण का एक सुंदर गोप बालक गैया दूह रहा है। गैया के पीछे की टांगे एक सुंदर जेवरी से बंधी है। आगे की एक टांग से उसका नवजात बछड़ा बंधा है। गैया बछड़े को चाट रही है और गोप बालक गोदोहन की चारू चेष्टा में उसके थनों पर उंगलियां फेर रहा है। बालक में कुछ ऐसा आकर्षण था कि प्रभुपाद ठिठक कर उसे देखने लगे। उन्हें देख बालक बोला, गोसाई कहां देख रहे हो, तो ये देख के गैया लात देगी, दूध पलट जाएगो। प्रभुपाद आगे बढ़ लिए, पर बालक की मधुर छवि उनके हृदय में बस चुकी थी। दो ही कदम आगे जाकर उन्होंने उसे फिर देखने के लिए गर्दन मोड़ी तो वहां न कोई बालक था न गैया। प्रभुपाद के बहुत से शिष्य हुए। वे अपने शिष्यों से दो बातें विशेष रूप से कहा करते, एक तो निरंतर नाम जप करने की और दूसरी पंडित रामकृष्ण दास बाबा और श्री गौरांग दास बाबा जी का यथासंभव संग करने की। सन 1954 अषाढ़ कृष्ण पक्ष तृतीया को उन्होंने नित्य लीला में प्रवेश किया।